हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लोकल के चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि एक महीने से नीचे के पपीस अगर हैं, एक महीने से नीचे के अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं डॉगीज़ के, तो उनको कैसे देखभाल किया जाए, उनके देखभाल के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जो जानकारियाँ हम आपके लिए बनाते हैं कि आप उन जानकारियों से अवगत होने वाले पाए, वो आपको ज़रूर ज़रूर मिल सके। आज हम जानेंगे कि पपीज़ जो एक महीने से छोटे हैं उनको क्या केयर किया, उनके लिए क्या बेसिक केयर होता है जो आपको लेना ज़रूरी है। तो यदि आप पहली बार किसी डॉग की पपीज़ आपके यहाँ हुए हैं, अगर पहली बार आपके यहाँ डॉग्स ने पप्स दिए हैं, तो बहुत ही देखभाल से, बहुत ही बारीकी से आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जो मदर होती है डॉग्स की, वो भी क्योंकि पहली बार बच्चा दी होती है, उनको भी बहुत सारी आइडियाज़ नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती, कभी कभी बच्चों पर चढ़ जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाता ही है हालात को, उसके ऊपर पंजा रख देती है, चढ़ जाती है, कई सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जिससे कि बच्चे मरना चालू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पर कि ऐसा क्या करें हम लोग कि एक महीने से कम के पपीज़ पहली बार जो फीमेल बच्चा दी हो वो कैसे सर्वाइव करा सके। तो अगर आपका पपीज़, पहले तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवर्मिंग शेड्यूल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, आज हम लोग थोड़ा सा डिवर्मिंग शेड्यूल पे फोकस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वीक पे, यानी करीब लगभग 14-15 दिन का जब पपीज़ होते हैं तो उनको डिवर्मिंग किया जाता है, जिससे कि उनके पेट के कीड़े मर जाए। बहुत ही सावधानी तरीके से, सावधानी बरतते हुए हमें ये डिवर्मिंग करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। पेट के कीड़ों को मारना डिवर्मिंग, मतलब पेट के कीड़े को दबाती है, प्रीवियस वीडियो पे हमने इसके बारे में बात किया है, वो आप ज़रूर देख लें अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है। तो डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो डोज या जो डाइट हम पपीज़ को दें वो उसके शरीर में लगे। तो क्योंकि कीड़े जब होते हैं पपीज़ के शरीर में, तो वो सारी चीज़ें नहीं लग पाती हैं, बॉडी में सूट नहीं कर पाती हैं, बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो डिवर्मिंग कराने के बाद, उसके बाद जब पपीज़ की आँख खुलना धीरे धीरे करके 15 से 16 दिन के गैपिंग पे जब पपीज़ की आँख खुलना चालू होती है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे रेंगना चालू करता है, रेंगने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगता है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपका पपी चलने लायक हो गया, या धीरे धीरे रेंग के चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फीड पे भी ज़रूर रखें। कई बार मैंने विज़िट किया लोग के यहाँ, जो लोग नई जानकारी हुआ, जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग ने मुझे बुलाया है। एक महीने डेढ़ महीने के पपीज़ को जब हम देखने गए तो बच्चे बहुत ही सूखे, बहुत पतले दुबले से, क्वालिटी में बेस्ट है, पर क्योंकि उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाया, एक डेढ़ महीने तक सिर्फ मदर फीडिंग इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। मदर फीडिंग जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर उसके साथ साथ लगभग 18 से 20 दिन के बाद हम लोगों को ये जो फूड होता है, ओरल फूड जो होता है, इसे भी चालू करना चाहिए। ओरल फूड में आप क्या दे सकते हैं, कई सारे पाउडर के बने हुए सेरेलैक सेमोलैक टाइप के आते हैं, जैसे हमारे पास इस समय ये सेमोलैक प्रो जो है, ये इस टाइप के पाउडर डिब्बे के अंदर पाउडर होंगे, जिनको आप चम्मच से निकाल के भी दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी कंपनियों के आते हैं, उनको आप पानी में